हूं दीपिका भुटानी और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। इस शो में हम आपको देंगे प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर वो खबर जो होगी आपके फायदे की और रखेगी आपको अप टू डेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। डीएलएफ ने किया बायर्स के पैसों के साथ खिलवाड़, 7 साल बाद भी नहीं दिया कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट का पोजेशन, 2 दिन में बिका था पूरा प्रोजेक्ट। बिल्डर्स की मनमानियों से होम बायर्स परेशान, गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटरिएट में किया प्रदर्शन, सीएम खट्टर से पोजीशन के लिए लगाई गुहार। एनसीडीआरसी ने जेपी ग्रुप के खिलाफ सुनाया अहम फैसला, 12% की सालाना दर से लगाई पेनल्टी, प्रोजेक्ट पूरा होने तक बायर्स को रोजाना मिलेंगे 5,000 रूपए। आज की हमारी कवर स्टोरी उन बिल्डर्स पर है जो फ्लैट्स के पोजीशन में देरी कर रहे हैं और बायर्स के पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्डर ने फ्लैट की बुकिंग के समय सपने तो कई दिखाए, लेकिन 6 से 7 साल बीत जाने के बाद भी बायर्स को सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांगना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी रियलिटी फर्म डीएलएफ ने साल 2009 में दिल्ली के मोती नगर में कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया और ये दावा किया कि महज 2 दिनों में प्रोजेक्ट की बिक्री पूरी हो गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 2 दिनों में प्रोजेक्ट बिक गया तो 7 साल बीत जाने के बाद भी बायर्स को पोजेशन क्यों नहीं मिला। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत अब देश की सबसे बड़ी रियलिटी फर्म डीएलएफ पर फिट बैठ रही है। डीएलएफ के बायर्स इसीलिए परेशान हैं क्योंकि बायर्स अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई डीएलएफ को दे चुके हैं। डीएलएफ का नाम देखकर बायर्स ने प्रोजेक्ट में इसीलिए पैसा लगाया क्योंकि उम्मीद ये थी कि समय पर पोजीशन मिल जाएगा। हालात ये हैं कि अभी तक होम बायर्स के हाथ खाली हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अप्रैल 2009 में डीएलएफ ने दिल्ली के मोती नगर में कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट को 3 फेज में लॉन्च किया गया था और करीब 3,000 फ्लैट्स बनाने का वादा किया गया। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 5,500 करोड़ से भी ज्यादा थी। डीएलएफ ने 33 महीने में फ्लैट्स का पोजेशन देने का वादा किया। करीब 7 साल के बाद भी बायर्स को अभी तक पोजेशन नहीं मिला है। डीएलएफ का नाम देखकर बायर्स ने मौके पर ही पेमेंट जमा कर दी थी। बाकी बचे बायर्स ने 4 साल पहले ही 90% और 95% पेमेंट डीएलएफ को दे दी। बायर्स का आरोप है कि डीएलएफ ने सुपर एरिया बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लिए और कारपेट एरिया में 1 इंच की बढ़ोतरी नहीं की गई। 2009 में बुक कराया था, इन्होंने तब से आज तक हमारे साथ सिर्फ झूठ बोला है, चाहे वो फ्लोर एरिया रेशियो के मामले में हो, चाहे अप्रूवल्स मिलने के मामले में हो। इन्होंने रिटर्न लेटर लिखी के हमको दिया है कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने डिले कराया, उस वजह से प्रोजेक्ट डिले किया है। हर लेवल पे झूठ बोला है, सारा ठीकरा गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर डाला है। डीएलएफ ने दावा किया था कि महज 2 दिन में पूरे प्रोजेक्ट की बिक्री हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर प्रोजेक्ट का पूरा पैसा मिल गया तो डीएलएफ ने इस पैसे का कहां इस्तेमाल किया और अभी तक पोजेशन क्यों नहीं दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का काम कहां तक पहुंचा है। अप्रैल 2009 में डीएलएफ ने दिल्ली के मोती नगर में कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट की लॉन्च की थी, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 3 फेज में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और लगभग 33 महीने में पोजेशन देने का वादा किया गया था। और आलम यह है कि लगभग 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी प्रोजेक्ट का पोजेशन नहीं दिया गया है। डीएलएफ का ये दावा था कि ये प्रोजेक्ट की जब लॉन्चिंग की गई थी उस समय ये महज 2 दिन में ही प्रोजेक्ट जो है वो बिक चुका था और अब हालात ये हैं कि 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बायर्स को पोजेशन नहीं मिला है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार बिल्डर्स की मनमानियों का दौर कब खत्म होगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। डीएलएफ के कैपिटल ग्रीन प्रोजेक्ट के पोजेशन के लिए बायर्स ने उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर गौरव खोसला ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने बायर्स का दुख सुना। आइए जानते हैं कि आखिर बिल्डर ने बायर्स से क्या क्या वादे किए थे और फिलहाल बायर्स किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं।
2009 में दिल्ली के मोती नगर ने डीएलएफ ने कैपिटल ग्रीन्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और डीएलएफ ने ये दावा किया था कि महज 2 दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा बिक चुका है। इसकी वजह यही थी कि डीएलएफ ने समय पर पोजेशन देने की बात की थी और आज लगभग 6 से 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक पोजेशन नहीं मिला और इसी वजह से आज डीएलएफ के जो बायर्स हैं वो उनके कॉरपोरेट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी और कब शुरू हुई। मैम आपसे जानना चाहता हूँ कि कब प्रॉब्लम शुरू हुई और अभी की क्या स्थिति है। सो प्रॉब्लम बहुत सहज है। 2009 में एक सपना बुना था, 33 महीने में डिलीवरी हो जाएगी, एक एक दिन करके दिन बिताया गया, बहुत बढ़िया सपना था। और इकलौती बच्ची हूँ मैं अपने बुज़ुर्ग पेरेंट्स की, दे आर बोथ 80+। ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट इसलिए बुक किया कि उनके साथ बहुत अच्छा जीवन बिताया जाए, लेकिन कहीं होप नज़र नहीं आती, तारीख पे तारीख बस पड़ती जाती है, होप नहीं है। यानी यहाँ पर ये बात साफ है कि बिल्डर तारीख पे तारीख दे रहा है लेकिन अभी तक जो इन्होंने सपना संजोया था अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। मैम मुझे आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम थी और अभी बिल्डर क्या कह रहा है, आपने क्या सोच कर कर लिया? ऐसा है, हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता दिख रहा। EMI भर रहे हैं, किराया भर रहे हैं, किराए के घर से एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं। बिल्डर बोलता है इस दिवाली देंगे, इस बैसाखी देंगे, अभी बैसाखी की कमिटमेंट थी, बैसाखी पार्टी करेंगे, OC मिल जाएगा, और अभी तक हमें कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि घर कब मिलेगा। छोटे बच्चे हैं, स्कूल एडमिशन करानी थी, 4 साल की बिटिया है मेरी, नेबरहुड में पता नहीं है मेरे पास एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने का। और यानी यहाँ पर ये साफ है कि जो सपना संजोया था और बच्चों को लेकर अपने परिवार को लेकर हालात अभी बद से बदतर हो चुके हैं। मैम आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम? जी हमारे भी यही परेशानी है जो सबकी परेशानी है, जिसकी वजह से आज हम सब सड़कों पे उतरे हुए हैं। 4 बार ये प्रोटेस्ट हो चुका है। सबसे बड़ी आज मेरे को सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी है, क्या आम पब्लिक की वो यही हेल्प कर सकती है? क्या हम लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? DLF तो अंदर बैठा है ऑफिस में, कोई उनका ऑफिसर बाहर निकल के आने के लिए तैयार नहीं है। क्या आम जनता इसीलिए सरकार को चुन के लाती है? मेरे सिर्फ सरकार से इस समय ये प्रश्न है, मीडिया के थ्रू हम लोग ये मैसेज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि क्या वो हमें कोई हेल्प नहीं करेगी? यानी यहाँ पर सरकार को चताया जा रहा है कि सरकार आगे आए और हमारे इन जो बायर्स हैं इनकी आवाज़ सुने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या मुश्किल है? मुश्किल सेम है सबकी, हम लोग अपना घर बुक कराते हैं वहाँ रहने के लिए कि बच्चों के साथ वहाँ रहेंगे, इंजॉय करेंगे। जब ये बुक कराया था मेरा बेटा सिर्फ 5th में पढ़ता था, आज वो 12th में है। मुझे नहीं मालूम वो उस घर में रहेगा, क्योंकि 12th के बाद वो बच्चे हमेशा हॉस्टल में या कहीं भी बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता। तो मुझे नहीं लगता मैं अपने बच्चों के साथ उस घर में रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। हम लोग किराया दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, लोन की किस्त चुका रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कैसे ये सब कर रहे हैं, हमें ही मालूम है ये सब। यानी यहाँ पर ये है, EMI जा रही है, रेंट जा रहा है, इनको ये सपना है कि कब ये अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गौरव खोसला, जी मीडिया। ये तो बात हुई DLF की। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गुरुग्राम सेक्टर 103 में, जहां AN बिल्डवेल ने अपने लुभावने विज्ञापन से बायर्स को आकर्षित किया। बिल्डर ने 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया था, लेकिन हालात ये हैं कि पिछले 2 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम ही रुका हुआ है। देखिए रामेश नकवी की ये खास रिपोर्ट। साल में मिलेगा पोजेशन, प्राइम लोकेशन पर बनेगा प्रोजेक्ट, बिल्डर ने किया था वादा, 500 बायर्स के साथ धोखा। जी हां, हर बिल्डर की तरह AN बिल्डवेल ने भी वक्त रहते पोजेशन देने का वादा किया, पर वादे के नाम पर AN बिल्डवेल के बायर्स को करना पड़ा तो सिर्फ इंतजार। यह कहानी उन 500 होम बायर्स की है जिनको फ्लैट देने के नाम पर ठगा गया। साल 2011 में AN बिल्डवेल और स्पायर मिलेनियम नाम की कंपनी ने मिलकर स्पायरवुड नाम का प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर 103 में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया। साल 2014 और 15 में इस प्रोजेक्ट का पोजेशन देने का वादा किया गया था, पर बायर्स की शिकायत है कि 2 साल से कंस्ट्रक्शन का काम भी
रुका हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस फायरवुड प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के नाम पर कितना काम हुआ है। इस वक्त मैं गुड़गांव के सेक्टर 103 में एएन बिल्डवेल प्रोजेक्ट के बाहर खड़ा हूं, जो कि साल 2011 में लॉन्च किया गया था और साल 2014 में इसका प्रदर्शन देने का वादा किया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट तीन कंपनियों के कलेबरेशन से बनाया गया था, जिसमें स्पेयरवुड, एफडीआई और एएन बिल्डवेल नाम की कंपनी जो थी, उन्होंने कलेबरेशन से ये प्रोजेक्ट बनाया था। और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी तक यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है और पिछले दो साल से कंस्ट्रक्शन का काम भी रोका हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको कि कंस्ट्रक्शन का पूरा सूरत हाल क्या है। आइए मेरे साथ। जैसा कि हमने आपको कंस्ट्रक्शन का सूरत हाल दिखाया, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ का असल कंस्ट्रक्शन का सूरत हाल क्या है। पिछले एक साल से यहाँ पे पानी जो है वो प्रोजेक्ट में खड़ा हुआ है, 4-5 फीट गहरा पानी है, जो कि बिल्डिंग्स जो है वो खराब हो रही हैं। बायर्स को डर है कि कहीं उनका प्रोजेक्ट जितना बना है वो ना कहीं ढह जाए। एएन बिल्डवेल ने करीब 500 होम बायर्स के साथ धोखा किया। इन्हीं में से एक हैं एक्स आर्मी मैन डॉक्टर पंकज रूप राय, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की सारी कमाई बिल्डर के हाथों सौंप दी। आइए आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर पंकज रूप राय की जीवन भर की गाड़ी कमाई के साथ कैसे बिल्डर ने खिलवाड़ किया। यह है 46 साल के डॉक्टर पंकज रूप राय। पेशे से ये एक्स आर्मी डॉक्टर हैं और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में पिछले कई सालों से अपना क्लिनिक चला रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर पंकज रूप राय ने अपना द्वारका में ही एक छोटा सा क्लिनिक खोला। हर आम इंसान की तरह डॉक्टर पंकज ने भी अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारने का सपना देखा। इसी सपने को साकार करने के लिए इन्होंने अपने रिटायरमेंट की कमाई एएन बिल्ड वेल को दे दी। इसी बिल्डर ने डॉक्टर पंकज को गुड़गांव के सेक्टर 103 में स्पायर वुड प्रोजेक्ट में फ्लैट देने का वादा किया। एएन बिल्डवेल ने स्पायर के साथ एडवर्टाइज किया था कि एफडीआई फंडेड प्रोजेक्ट है। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज के कवर पेज पे बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आई थी। आपका घर आपकी मर्जी, फ्लेक्सी होम्स, ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई थी कि आप जैसा घर चाहेंगे आपका वैसा बन जाएगा। तो और लोन जो सेंक्शन थे वो सारे बैंक लोन सेंक्शन कर रहे थे, SBI हो गया, PNB हो गया। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर पंकज रूप राय कैसे इस बिल्डर के झांसे में आए। अगस्त 2011 में एएन बिल्डवेल और एफडीआई कंपनी स्पायर मिलिनेयर गुरुग्राम ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। साल 2015 में बिल्डर ने पोजीशन देने का वादा किया। स्पायर वुड प्रोजेक्ट में एएन बिल्डवेल की हिस्सेदारी 56% थी और बाकी की 44% हिस्सेदारी स्पायर मिलिनेयर की थी। स्पायर मिलिनेयर सिंगापुर की कंपनी है और इसका आरोप है कि एएन बिल्डवेल के मालिक रिटायर्ड मेजर एसके हुडा को 40 करोड़ रुपए निवेश के लिए दिए। 10 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में लगाने के बाद 30 करोड़ रुपए किसी दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिए। आपको बता दें कि इसी कंपनी का मानेसर में कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है और एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर भी बायर्स के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। जब हमने देखा कि भी एक साल से तो यहाँ पे एक ईंट भी नहीं रखी गई है और हम जब भी यहाँ जाते हैं या इनके किसी बंदे को फ़ोन करते हैं, इनके ऑफिस में किसी बंदे को फ़ोन करते हैं, तो हमें हमेशा एक ही जवाब मिलता था कि सर अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने। डॉक्टर पंकज रूप राय जैसे तकरीबन 500 होम बायर्स ने इस बिल्डर का फ्रॉड खट्टर सरकार के सामने रखा और उन्हें आश्वासन ये मिला है कि जल्द ही इस केस की तहकीकात की जाएगी। सवाल यह है कि आखिरकार कब तक इन जैसे बिल्डर्स की मनमानी चलती रहेगी और होम बायर्स को कब उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। रामिश नकवी, जी मीडिया। एक दर्जन से ज्यादा बिल्डर्स के खिलाफ बायर्स ने गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रदर्शन कर सीएम मनोहर लाल खट्टर से फ्लैट्स के पोजीशन की गुहार लगाई। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बायर्स की परेशानियों को सुना और उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। शोर मचाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे ये वो होम बायर्स हैं जो बिल्डर के सताए हुए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद के होम बायर्स बिल्डर के झूठे आश्वासन से तंग आ चुके हैं। हर बार बिल्डर से होम बायर्स को फ्लैट के पोजीशन के लिए नई तारीख ही मिली है।
फ्लैट्स का पोजीशन नहीं मिलने से इन होम बायर्स का गुस्सा सड़कों पर आ चुका है। बायर्स गुरुग्राम के सचिवालय के बाहर खड़े होकर खट्टर सरकार से फ्लैट के पोजीशन की गुहार लगा रहे हैं और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद के त्रिवेणी बिल्डर्स के बायर्स का सबर का बांध टूट चुका है और आज वो गुड़गांव के मिनी सेक्रेटरिएट पे अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। 2006 में इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इन लोगों को अपना घर नहीं मिला, अपने सपनों का घर नहीं मिला। लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार बिल्डर से बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बिल्डर है कि वो बायर से बात नहीं कर रहा और ना ही कोई उनको रिटर्न में कोई चीज़ दे रहा है। कई करोड़ का मामला ये सामने आया है। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ बायर से जिनका जानते हैं कि उनका आखिर दुख है क्या। सर कितने साल से आप अपने पोजीशन का वेट कर रहे हैं? 10 साल से हम लोगों ने पैसा लगाया, 2006 से पैसा लगाया है और इन्होंने 2009-2010 तक तो काम किया, उसके बाद कुछ बिल्डिंगें खड़ी करी हैं और कुछ बाकी बिल्डिंग का खोदा भी नहीं है लेकिन पैसे उन्होंने पूरे 80-90% लोगों से ले लिए हैं। हमें इन्होंने लूट लिया है, कभी इनके पास जाते हैं तो इनके पास वहाँ बाउंसर हैं, कभी इनके पास जाते हैं तो कोई जवाब देते नहीं। कोर्टों में हमारा पैसा लेके वकीलों को खरीद के हमें परेशान कर रहे हैं। बिल्डर से सताए होम बायर्स ने अपनी परेशानी सीएम मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचाई, जिस बाबत सीएम खट्टर खुद गुरुग्राम में बायर्स की मुश्किलें सुनने आए और उन्होंने बायर्स से बात की। सीएम ने होम बायर्स को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बायर्स भी सीएम के इस कदम से काफी संतुष्ट नजर आए। मीटिंग में सीएम हैं, डीसी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आज मीटिंग में बैठा हुआ है और कई मुद्दों पे आज अंदर चर्चा हो रही है। हमारे मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। हमारा मुद्दा पिछले मीटिंग में भी उठा था, उस पर दो मुद्दे सीएम ने दो आदेश दिए। एक तो यूनिटेक जो बिल्डर है उसके एसेट एंड लाइबिलिटी की जाँच की जाए, दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बीच में एक बेसमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का गठन होगा, उस पर भी आज उन्होंने एक निर्णय दे दिया है। अब देखना यह होगा कि होम बायर्स को इंसाफ कब मिलेगा और बिल्डर पर क्या कार्रवाई होगी। रामेश नकवी, सी मीडिया। अब वक्त हो चला है एक ऐसी खबर दिखाने का जिसका सीधा सरोकार आपसे है, देखिए ये रिपोर्ट। जब बिल्डर सताए तो कोर्ट बचाए। NCDRC ने जेपी ग्रुप के किलिप्सो कोर्ट प्रोजेक्ट पर 12% सालाना की दर से पेनल्टी लगाई है। NCDRC ने बिल्डर को ये भी आदेश दिया है कि 21 जुलाई तक जेपी ग्रुप होम बायर्स को पोजीशन दे। अगर बिल्डर होम बायर्स को पोजीशन नहीं दे पाता है तो बिल्डर को हर फ्लैट के मालिक को ₹5,000 रोजाना प्रोजेक्ट के पूरे होने तक देने के लिए कहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 2007 में जेपी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर किलिप्सो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 2011 में बिल्डर ने फ्लैट्स का पोजीशन देने का वादा किया। किलिप्सो प्रोजेक्ट में 16 टावर बनाए जाने थे, अभी तक सिर्फ 5 टावर का पोजीशन देना शुरू किया गया और बाकी टावर पर काम अभी अधूरा है। बिल्डर की मनमानी से तंग आकर बायर्स ने NCDRC की शरण ली। NCDRC ने बायर्स के हक में फैसला सुनाते हुए जेपी ग्रुप पर 12% सालाना की दर से पेनल्टी लगाई और 21 जुलाई तक पोजीशन देने का आदेश दिया। जब 1.5 साल में 2 साल में मेरे से 95% पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद 6 साल प्रोजेक्ट पे काम रोक दिया जाता है। सेकंड चीज़ जो हमने बोली कि यही जो सुपर एरिया बढ़ा दिया जाता है, मुझे बताया नहीं जाता, ये अनफेयर है। मुझे कार पार्किंग बेची जाती है, ये अनफेयर है। मेरे से जो अग्रीमेंट साइन कराए जाते हैं वो मुझे जब मैं बुकिंग अमाउंट दे चुका होता हूँ या मुझे नॉलेज ही नहीं होती उस चीज़ की, वो अनफेयर है। बिल्डर्स की मनमानियों से बायर्स परेशान हो चुके थे और NCDRC के फैसले से बायर्स इसीलिए खुश हैं कि उन्हें इंसाफ मिला है। बहुत खुश हैं क्योंकि इस फैसले से लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो होम बायर्स हैं उनमें कुछ साहस आएगा कि हाँ, हम भी अपना केस लड़ सकते हैं। NCDRC का यह फैसला उन होम बायर्स के लिए वरदान बनकर आया है जो बिल्डर्स के सताए हुए हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया। बिल्डर्स की मनमानी से परेशान जो ग्राहक मन महसूस कर रह जाते हैं उनके लिए देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कोर्ट का फैसला एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। मुंबई के एक होम बायर की अपील पर NCDRC ने लोदा डेवलपर्स की सहयोगी कंपनी साइनाथ एंटरप्राइजेस को 18% ब्याज के साथ मूल रकम अदा करने के आदेश दिए हैं। थाने के माजीवाड़ा इलाके में लोधा का लग्जरिया प्रोजेक्ट है।
प्रोजेक्ट की फेयरफील्ड बिल्डिंग में ग्राहक डॉक्टर नरेन शेठ और सुधा शेठ ने एक फ्लैट बुक कराया था। 1118 वर्ग फुट वाले फ्लैट की कीमत 1,04,75,694 रुपए तय हुई थी। डॉक्टर नरेन शेठ ने 27 सितंबर 2010 से 2 नवंबर 2010 के बीच 1,02,13,803 रुपए की रकम अदा कर दी। बाकी की 2,61,891 रुपए की रकम फ्लैट के पोजीशन के वक्त देना तय हुआ था, लेकिन लोधा डेवलपर्स की सहयोगी कंपनी ने 3,96,000 रुपए की और रकम अवैध रूप से कार पार्किंग के लिए मांगी। आपको रिसीट नहीं भेजा क्योंकि आपने एक और पैसा देना बाकी है, 3.96 लाख ऑफ रुपीस फॉर द पार्किंग। सर आपने जो लिस्ट दिया था उसमें तो इतना ही देना था, इतना कुछ जिक्र नहीं था उसके बारे में, और अभी आपको चाहिए तो आप और रिसीट बनाओ, डिमांड बताओ कि हमको इतना पैसा चाहिए। हैरानी की बात ये रही कि बिल्डर लोधा ग्रुप की कंपनी ने NCDRC के निर्देश को भी अनसुना कर दिया। लोधा ग्रुप के खिलाफ केस पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में दर्ज हुआ, लेकिन रकम बड़ी होने से फोरम से मंजूरी लेकर ग्राहक ने NCDRC में केस दाखिल किया। लेकिन NCDRC ने लोधा ग्रुप को निर्देश दिया था कि जिस फ्लैट का एग्रीमेंट कैंसिल किया गया है उसे किसी और को ना बेचा जाए, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट को एक और ग्राहक को बेच दिया। बिल्डर ने 5 साल तक ग्राहक से ली गई पूरी रकम भी नहीं लौटाई। NCDRC ने अपने फैसले में लोधा ग्रुप की सहयोगी कंपनी श्री साईनाथ एंटरप्राइजेस को 1,02,13,803 रुपए की रकम 18% ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही 1,00,000 रुपए की रकम हर्जाने के तौर पर 90 दिन के भीतर देने को कहा है। NCDRC में सुनवाई के दौरान ये साबित करने की कोशिश हुई कि फ्लैट खरीदने वाले डॉक्टर दंपत्ति ग्राहक के बजाय निवेशक हैं। साथ ही उन्होंने एग्रीमेंट की शर्तें तोड़ी हैं, इसलिए एग्रीमेंट कैंसिल किया गया है। लेकिन कमीशन ने बिल्डर पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ग्राहक के हित में फैसला सुनाया। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें SMS कर सकते हैं, इसके लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए प्रॉपर्टी स्पेस अपना नाम, सवाल या फिर सुझाव और भेज दीजिए 57575 पर। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है property@zmedia.slgroup.com। हमें फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस के पेज पर जाइए, और ट्विटर पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो जी बिजनेस के हैंडल पर जाइए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।